हेलो गाइस, दिस इज अंकित फ्रॉम एचएस स्किल्स एंड आज आपके सामने मैं एक और नई वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आज के जो वर्ल्ड है हमारा वो है गाइस वाना। तो आज गाइस मैं आपको वाना के बारे में बताऊंगा जो कि एक स्लैंग वर्ड है। बट बिफोर दैट आपको ये बताना जरूरी है कि गाइस स्लैंग वर्ड्स होते क्या, हमारे ये स्लैंग है क्या। हमने सुना तो बहुत बार है बट एक्चुअल में है क्या स्लैंग। तो गाइस देखिए, स्लैंग वो है जो हमारी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा यूज होता है, जो हम ऑफिशियली यूज नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे गाइस हम लोग यूज करते हैं व्हाट्सअप, आप लोगों ने लगभग सभी ने सुना होगा व्हाट्सअप। तो गाइस जो व्हाट्सअप है, अगर आप अपने बॉस के सामने बोलोगे ना, इट विल लुक लिटिल बिट वियर्ड। आप बॉस के सामने नहीं बोल सकते, मतलब बोल तो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ये इनफॉर्मल सा है। फ्रेंड्स को आगे सामने ज़्यादा अच्छा लगता है, और भाई क्या हाल है, लाइक दिस। तो गाइज जो वाना है ये भी आपके स्लैंग वर्ड्स है। देखिए ये जो हमारी सोसाइटी होती है, सोसाइटी हमारी स्लैंग वर्ड्स बनाती है, सोसाइटी मिलकर के बनाती है वर्ड्स। जैसे गाइज हम अपने फादर को पापा कहते हैं, फिर डैडी कहते हैं। अब शाहरुख खान ने DDLG मूवी में क्या कहा था, पोप्स। ऐसे कई लोग डैडी को डैडू कहते हैं, तो कोई डड्डू कहता है। थोड़ा सा फनी लग रहा होगा आपको, बट लेकिन लोग कई कहते हैं। तो ऐसे गाइज दिस ऑल आर स्लैंग्स। कपिल शर्मा जी ने एक नया स्लैंग बनाया था जो कि था बाबा जी का ठुल्लू। अब बाबा जी का ठुल्लू है, अब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, बट ये भी यूज होता है क्योंकि ये भी एक स्लैंग वर्ड ही है आपका। तो स्लैंग वही है जो सोसाइटी से हमारा उभर के आता है, सोसाइटी से बनता है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज इतना नहीं किया जाता है। तो क्या इसलिए देखते हैं हमारा जो स्लैंग वर्ड वाना है इसका क्या यूज होता है। तो कहीं जो हमारा वाना है स्लैंग वर्ड जो कि मैंने आपको बताया है, ये हम यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ वांट टू। मतलब कहने का सिंपल यही है कि जहां जहां हम लोगों ने वॉन्ट टू का यूज किया है, उसकी जगह ऐसा वाना का यूज कर सकती हूँ। कंपल्सरी नहीं है कि करना ही है, वो आपकी च्वाइस है। अब आगे देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल आपके पास, आई वॉन्ट टू गो, मतलब मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो, ऐसे आप लिखते हो। तुम जाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू गो। हम जाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू गो। वे जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो। सिंपल सी ग्रामर है गाइस। आई वॉन्ट टू के साथ आप उस काम को रख देते हो। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू प्ले, कुछ भी आ जाएगा आपका। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि हम वाना को वॉन्ट टू के प्लेस में रखते हैं, तो वैसे आप वॉन्ट टू की जगह वाना लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा आई वाना गो, तुम जाना चाहते हो, यू वाना गो। वॉन्ट टू की जगह हमने वाना लिख दिया है। वे जाना चाहते हैं, दे वाना गो। हम जाना चाहते हैं, वी वाना गो। अब इतनी तो हमें गाइस समझ आता है कि हम वाना का किस तरीके से यूज करें। प्रॉब्लम का आती है जब ही शी और नेम के साथ, यानी थर्ड पर्सन के साथ है। तो कहीं जो कि थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम कभी वॉन्ट टू नहीं, वॉन्ट्स टू लगाते हैं कि एस और यस आ जाता है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट टेंस है। सिंपल, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको इतना पता होगा कि हम एस और यस को लिखते हैं। तो ही शी नेम एस और यस आ जाएगा, तो बन जाएगा ही वॉन्ट्स टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो, एंड रवि वॉन्ट्स टू गो। एंड गाइस हम थर्ड पर्सन के साथ वॉन्ट्स टू ही रहने देंगे। रीजन इसका ये है क्योंकि गाइस हमारा जो वाना है वो वॉन्ट टू की जगह लगता है, वॉन्ट्स टू की जगह नहीं। तो ये तो छोटी सी मिस्टेक है जिससे आप लोगों को बचना है। अब गाइस आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो गाइस जो नेगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें हम लोग मना करते वक्त डू या डज लगा देते हैं। जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता, आई डू नॉट वाना गो। मैं नहीं खेलना चाहता, आई डू नॉट वाना प्ले। अब वॉन्ट टू की जगह हमने वाना आ दिया है, क्योंकि डोंट के साथ वॉन्ट टू ही आएगा, ही शी नेम के साथ भी डजंट के साथ वॉन्ट टू ही आएगा। तो वॉन्ट टू की जगह हम वाना लगा देंगे, लाइक आई डोंट वाना प्ले, यू डोंट वाना प्ले, वी डोंट वाना प्ले, दे डोंट वाना प्ले। ही नहीं चाहता, ही डजंट वाना प्ले, शी डजंट वाना प्ले, विराट डजंट वाना प्ले, एंड कुछ भी जो काम नहीं करना चाहते, तो गाइस वॉन्ट टू की जगह वाना आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि आपको कि वॉन्ट टू की जगह वाना कैसा आएगा। देखते हैं अब इसको गाइस इंटेरोगेटिव में भी। इंटेरोगेटिव में गाइस आपके पास ये है, थोड़े से मैंने एग्जाम्पल छोटे थोड़े दे रखे आपको, लाइक डू यू वाना डांस, क्या आप डांस करना चाहते हो। नेक्स्ट है आपके पास डज ही वाना डांस, क्या वो डांस करना चाहता है। केवल यही दोनों ही, आप किसी भी डोर के साथ, यानी किसी भी आप सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर सकते हो। केवल यू और ही नहीं, आप गाइस किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसको यूज कर सकते हो। जैसे आप कहते हो क्या तुम डांस करना चाहते हो, डू यू वाना डांस, बिल्कुल इजी है। वॉन्ट टू की जगह हम लोगों ने वाना लिख दिया। मैंने कहा क्या तुम इंजॉय करना चाहते हो, डू यू वाना इंजॉय, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्या वे इंजॉय करना चाहते हैं, डू दे वाना इंजॉय,
इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या राहुल एंजॉय करना चाहता है? डज राहुल वाना एंजॉय? इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये है हमारा वाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक स्टेप ढंग से समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो गाइस शेयर के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लैंग है, हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली म्यूजिक में भी बहुत यूज़ किया जाता है इसको। गाइस म्यूजिक में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप इंग्लिश म्यूजिक के थोड़े से भी फैन हो तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ड को आपने सुना ही होगा। तो गाइस ज़्यादा वेट मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नीडी फ्रेंड्स के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग।